27 तारीख को शहडोल पधार रहे हैं, पहले भोपाल जहां प्रधानमंत्री जी दो वंदे भारत ट्रेन प्रारंभ करेंगे। भोपाल की पवित्र धरती से बूथ पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद प्रधानमंत्री जी का होगा और इसके बाद प्रधानमंत्री जी का शहडोल कार्यक्रम है 27 तारीख को, ध्यान यात्राओं का समापन भी होगा और वीरांगना रानी दुर्गावती, उनका बलिदान दिवस 24 को है, लेकिन 24 को कई स्थानों पर कार्यक्रम होते हैं, इसलिए 27 तारीख को एक बड़े कार्यक्रम में मनाया जाएगा और दो अभियान प्रधानमंत्री जी लॉन्च करेंगे। एक तो अभियान लॉन्च करेंगे सिकल सेल एनीमिया मिशन, सिकल सेल से पीड़ित जो हमारे भाई बहन हैं उनकी स्क्रीनिंग, उनके इलाज की व्यवस्था के लिए एक नया यह अभियान होगा और दूसरे मध्य प्रदेश में 1 करोड़ से ज़्यादा हमारे आयुष्मान कार्ड बनकर तैयार हैं, उन आयुष्मान कार्ड का वितरण भी शहडोल में प्रतीकात्मक रूप से होगा, लेकिन उसी समय सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर और उसके साथ साथ कई पंचायतों में, गांव में, शहरों में भी ये वितरण का काम किया जाएगा। और आयुष्मान भारत आप जानते हैं 5 लाख तक का परिवार का इलाज साल भर में निःशुल्क करवा के दिया जाता है। इस पवित्र अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी का आना हम सब के लिए सौभाग्य होगा और शाम को प्रधानमंत्री जी हमारी लखपति दीदियों से संवाद करेंगे। लखपति दीदी मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करते करते जिनकी आय साल में 1 लाख रुपए से ज़्यादा हो गई है, उनको हमने लखपति दीदी कहा है क्योंकि अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से उन्होंने अपनी आर्थिक स्थितियाँ सुधारी हैं। पैसा एक्ट मध्य प्रदेश में लागू हुआ है, कई ग्राम सभाओं ने तेंदुपत्ता तोड़ा है, स्वयं फैसला किया कि हम तोड़ेंगे, वन विभाग नहीं तोड़ेगा, वन समितियां तोड़ती थी, उनसे भी वो संवाद करेंगे, चर्चा करेंगे। पूरे शहडोल के आसपास फुटबॉल के खिलाड़ी गांव-गांव में हैं, फुटबॉल क्लब बने हुए हैं, तो बच्चों से भी वो संवाद करेंगे और जनजातीय समाज के मुखियाओं से भी बात करेंगे, वहीं उनका भोजन भी होगा। प्रधानमंत्री जी का आना हम सब के लिए परम सौभाग्य का विषय है, मध्य प्रदेश में वे फिर सौगातें लेके पधार रहे हैं।